हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे। प्रस्तावना किसी भी संविधान की खिड़की की तरह होती है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या है। भारत के संविधान में भी एक प्रस्तावना है। यह संविधान के प्रारंभ में ही दी गई है, मुख्य भाग यानी भाग एक के पहले दी गई है। यदि आप इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो यह संविधान के लक्ष्य एवं दर्शन के बारे में एक झलक प्रस्तुत करती है। यह एक प्रकार का संकल्प है जिसे लोगों ने स्वयं के लिए पारित किया है, उनके विकास के लिए। यह किसी अन्य स्रोतों से नहीं किया है, बल्कि लोगों ने स्वयं इसे दिया है। यह भारत के लोगों की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों ने लिखी थी। आप यह जानकर अचंभित होंगे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा के अंतिम सत्र में यानी अक्टूबर 1949 में लिखी गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी तथा 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई थी। इसमें संविधान को अंगीकृत किया गया था तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू भी हुआ था। जिन महत्वपूर्ण सदस्यों ने प्रस्तावना की बहस में हिस्सा लिया वे इस प्रकार थे: मौलाना हजरत मोहानी, के एम मुंशी, एच बी थॉमस, पूर्णिया बनच, रोहिणी कुमार चौधरी और प्रोफेसर सिब्बल नाल सक्सेना। संविधान की प्रस्तावना का मूल अंश यह है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। प्रस्तावना में प्रतिबंधकारी शक्तियां भले ही न हो, परंतु यह हमारे संविधान की आत्मा है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। प्रस्तावना एक ऐसा उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यह सवाल प्रायः उठाया जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। इस सवाल के जवाब में दो अंतर्विरोधी उत्तर दिए गए थे। पहला 1966 का बेरुबरी मामला, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, जबकि दूसरा केस 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें यह कहा गया संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। इसने बेरुबरी केस के निर्णय को पलट दिया था, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को इसका भाग मानने से इनकार कर दिया था। केशवनंद भारती केस
के मामले में यह भी निर्णय दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इसके मूल ढांचे का उल्लंघन न किया गया हो। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्दों को इस्तेमाल को शामिल किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बुमे केस में 1994, जिसमें राष्ट्रपति को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दिया गया है, इसमें भी धर्मनिरपेक्ष शब्द की चर्चा की गई है। इस निर्णय में यह कहा गया कि हम यह नहीं जानते कि संविधान में किस तरह से संशोधन किया जा सकता है ताकि इसके मूल ढांचे से धर्मनिरपेक्षता को हटाया जा सके, ना ही हम यह जानते हैं कि संविधान अपने आप को समाप्त करने का कोई तरीका प्रदान करता है। अखिल भारतीय रिपोर्टर 1994 में उदाहरण आधार तत्वों पर बहस संविधान सभा बहस खंड एक में नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि मूलतः संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं होगी। जैसा पहले कहा गया है, संविधान सभा अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्तावना के ड्राफ्ट को संविधान सभा के पट पर के चुनाव के लिए प्रश्न रखा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। केशवानंद भारती केस ने इस सवाल को समाधान किया और तब से यह संविधान का हिस्सा है। 1995 में जीवन बीमा केस में फिर से सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है। दो तथ्य उल्लेखनीय है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या प्रस्तावना में संविधान की धारा 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार ऐतिहासिक केस केशवानंद भारती मामले 1973 में उठा। यह विचार सामने आया कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। न्यायालय ने अपना यह मत बेरुवाड़ी संघ के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें तीन नए शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। थैंक यू।